Hello guys, and welcome to Taruna's Easy Kitchen channel. If you really enjoy watching my recipes, then please hit on the like button, comment your feedbacks, and do subscribe to my channel for more recipes. Today's recipe is a breakfast recipe. It's vegetable upma. Very simple and quick breakfast recipe, so let's quickly begin. Suji upma banane ke liye gas pe ek pan rakh denge, use garam hone denge. Aur yahan pe maine liya hai suji. ये करीबन एक कप सूजी है. इसे रोस्ट कर लेंगे. इसे एकदम लो फ्लेम पे करें, नहीं तो सूजी जल जाएगी. जिस 20 से 30 सेकंड के लिए इसे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे. ऐसे आप हिलाते रहें. सूजी अच्छे से रोस्ट हो गई है, बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है उसके रोस्ट होने की. तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे एक प्लेट में निकाल देते हैं. निकालने के बाद आप वही पैन ले लें, उसमें डालें थोड़ा सा ऑयल, करीबन 2 से 3 चम्मच ऑयल. आप चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. ऑयल को गर्म होने देंगे. ऑयल गरम हो गया है, इसमें ऐड कर रही हूँ मैं ये राई, करीबन 1/2 चम्मच. राई को स्प्लैटर होने देंगे. उसके साथ ही ऐड करूँगी मैं ये थोड़ी सी उड़द की दाल और थोड़ी सी चने की दाल. गैस का फ्लेम लो रखें. फिर ऐड कर रही हूँ उसमें मैं ये कड़ी पत्ता और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जिंजर यानी कि अदरक को ग्रेट कर लिया है. जस्ट एक थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा लेके इसे ग्रेट कर लिया है. इसे भी मिक्स कर लेंगे. क्रैकल होने देंगे इन सब चीज़ों को. अब इसमें ऐड कर रही हूँ ये कटा हुआ अनियन यानी प्याज. ये एक प्याज को मैंने चॉप कर लिया है. प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का सा सॉटे करेंगे. मिर्ची जिसको मैंने पतले पतले स्ट्रिप्स में काट लिया है और इसे भी इसमें मिक्स कर लेंगे. प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो रहा है. अब इसमें ऐड कर रही हूँ ये गाजर. मैंने यहाँ पे हाफ गाजर लेके उसे ऐसे चॉप कर लिया है. आप अपने चॉइस की कोई भी वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर सकते हैं. नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे ये मटर. ये करीबन मुट्ठी भर मटर है, फ्रोजन मटर. ये भी इसमें ऐड कर लेंगे. इन सब को अच्छे से सॉटे करेंगे, पकने देंगे लो फ्लेम पे ताकि जो भी रॉनेस है वो निकल जाए सब्जियों का. तो इसे ढककर करीबन 5 मिनट के लिए पकने देंगे अच्छे से लो फ्लेम पे. जो हमने सब्जी डाली थी वो भी पक गई है, सॉफ्ट हो गई है. अब ऐड है इसमें से मसाले ऐड करने का. इसमें डाल रही हूँ मैं हल्दी. आप चाहें तो हल्दी ना डालें. इसमें ऐड कर रही हूँ मिर्ची करीबन 1/2 चम्मच. नमक ऐड करेंगे एज पर टेस्ट. इन सब मसालों को इन सब्जियों के साथ मिक्स कर लेंगे.
अब ये जो हमने सूजी रोस्ट की थी ये भी इसमें ऐड कर लेंगे, इसे इसके साथ ऐसे मिक्स कर लेंगे। अच्छे से सब्जियां और मसालों को सूजी के साथ मिक्स करें। अच्छा कलर आया है। अगर आपको वाइट उपमा पसंद है तो आप इसमें हल्दी ना डालें। कितना कलरफुल भी लग रहा है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंसेस तरुणाज इजी किचन के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और अगर आपको मेरी और भी रेसिपीज़ देखनी है उसके लिए आप करें सब्सक्राइब मेरा चैनल। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है मेरा चैनल तो प्लीज़ मुझे बताइए, फीडबैक दीजिए कि आपको और कौन सी रेसिपीज़ देखनी है। इसे 20 से 30 सेकंड तक ऐसे ही रखेंगे और बीच बीच में हल्का सा ऐसे इसे स्टर करते रहेंगे, घुमाते रहेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे पानी। अब टाइम है इसमें पानी ऐड करने का। इसमें ऐड कर रही हूँ मैं ये एक ग्लास पानी। ग्लास के साथ आधा ग्लास और करीबन 1.5 कप ऑफ वाटर इसमें जाएगा। गैस का फ्लेम लो रखना है। इसे ऐसे मिक्स दे दें। इसे ढक के रख देते हैं 5 से 10 मिनट के लिए। चलिए 7 से 10 मिनट हो चुके हैं। उपमा भी बनके एकदम रेडी है, ड्राई हो चुका है। देखिए कितना अच्छा कलर, इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और इसके साथ ही ऐड करेंगे थोड़ा सा घी। इसे भी मिक्स कर लेंगे। ये उपमा बनके एकदम रेडी है। करते हैं इसकी प्लेटिंग, गैस कर देते हैं ऑफ। वेजिटेबल उपमा बनके एकदम रेडी है। मैं इसे एंजॉय करूंगी अपने ब्रेकफास्ट के लिए क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंसेस नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। शेयर करें इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और इस रेसिपी को ट्राई करना बिल्कुल भी ना भूलें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए इस रेसिपी को। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट टाइम कुछ अगली रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।